आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भाजपा, कांग्रेस और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। जयहिंद ने प्रदेश सरकार के 4 साल पुराने होने पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा राज्य सरकार पर, देखिए इस वीडियो में। हम यहाँ के लोगों, थेड के लोगों के द्वारा जो बुलावा दिया था उसके लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है कोर्ट का नाम लेके, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट का, कोई भी देश के अंदर आज तक किसी भी कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है कि जिसमें लोगों को उजाड़ने की बात कही गई हो। बिना पुनर्वास के ऐसा नहीं होता है, और पुनर्वास भी पक्का होता है, उनके नाम डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे नहीं है कहीं से भी आप उठाओ और उठा के कहीं पे भी डाल दो, 6 महीने के बाद फिर वो वहां से उनको निकाल दो। जिस तरह की यहाँ की स्थिति है जो बताई गई है आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरह से पता है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, इतने लोग अगर ये जगह सरकार की थी या ये जगह ऐसी थी नहीं जहाँ लोग बस सकते थे, तो किस डीसी ने, किस निगम ने या पालिका ने बिजली का, पानी का, राशन कार्ड, और मुझे लगता है कि यहाँ पे तो जो देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो नहीं, पालिका वालों के भी घर होंगे, पुलिस वालों के भी होंगे, पॉलिटिकल लोगों के भी होंगे। तो जब वोट लेने की बारी आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे सरकार को ना प्रशासन को। लेकिन जब जैसे स्थिति ये होती है कि हाँ अब इनको उजाड़ना है, तो उसके लिए आसान हो जाता है सरकार के लिए कि कोर्ट का आदेश है। अब कोर्ट का आदेश है तो भाई यहाँ से कौन सा सोना, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर निकालना है? अरे इतने हजारों लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, तो ये बसे क्यों, क्यों बसवाए गए? अगर ऐसी स्थिति थी तो मुझे लगता है कि ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरह से लोगों को उजाड़ के कोई खुश नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो सोना, जवाहरात, हीरे आपको जो भी निकालने हैं वो निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ जिस कीमत पे जो खून पसीने की कमाई अपनी मेहनत से यहाँ पे लोगों ने घर लिए, पैसा खर्च किया है, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे, सवाल ये उठता है। तो मुझे लगता है कि ये धींगा मस्ती से नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को कुछ करना है तो वो सरकार को फिर लोगों से बात करके होना चाहिए। पहले तो ये कब्जे करवा देते हैं, ये सारे जो चुनाव की बात आती है, वोट की बात आती है, तो मुझे लगता है कि सब पार्टियां आसानी से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम इसमें माननीय हाईकोर्ट के उसमें भी दोबारा हम पता करेंगे इसमें कि इशू क्या है, दोबारा उनके सामने भी जाएंगे कि जब सरकार के पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं तो क्यों उजाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा की जनता का हाल देखकर इतना तो साफ हो गया है कि हर कोई मुख्यमंत्री खट्टर के शासन से काफी परेशान नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा अब जल्द ही खट्टर को भुगतना पड़ेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।